नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या नाइटफॉल हो जाने से ब्रह्मचर्य टूट जाता है, यानी नाइटफॉल का ब्रह्मचर्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो नाइटफॉल है वो दो तरीकों से होता है। जो पहला तरीका है वो है कि आपने अगर कोई बैड ड्रीम देखा है, कोई ऐसा असली स्वप्न जिस कारण से आपका नाइटफॉल हो जाता है, और जो दूसरा कारण है वो है कि बिना किसी बैड ड्रीम के, यानी आपने कोई भी ऐसा असली सपना नहीं देखा है फिर भी आपका जो वीर्य है वो अपने आप ही निकल जाता है। तो जो दूसरा कारण है कि बिना किसी बैड ड्रीम के ही वीर्य निकल जाना, तो ये आप ही की कुछ गलतियों के कारण होता है। मैं आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिस कारण से आपका नाइटफॉल है वो बिना किसी बैड ड्रीम के हो जाता है। जिसमें से पहला कारण है कि आपने रात को पेट भरकर भोजन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिक्विड चीज़ों का सेवन किया, जिसमें दूध, जूस और पानी, इन सब का अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया है तो आपके नाइटफॉल होने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। और जो दूसरा कारण है वो है कि सुबह जल्दी न उठना। अगर आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो तो आपके नाइटफॉल होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अगर दोस्तों आपको नाइटफॉल से बचना है तो आपको हर हालत में सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या नाइटफॉल हो जाने से ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो हाँ और ना दोनों है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपका जो नाइटफॉल है वो आपकी गलतियों के कारण हुआ है, यानी कि आपने किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन किया है, उस वजह से अगर आपका जो वीर्य है वो बिना किसी बुरे सपने के निकल गया है तो इसमें आपकी गलती है। और दोस्तों जो दूसरा कारण है वो है कि अगर आपने जानबूझकर कोई असली वीडियोस देखिए उस कारण से आपका नाइटफॉल हुआ है, तो समझ लेना कि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प है वो टूट चुका है, क्योंकि आपने यहाँ पर गलती है वो जानबूझकर की है। और दोस्तों अगर आपका जो नाइटफॉल है वो बिना किसी तामसिक भोजन के सेवन करने पर या फिर कोई भी अश्लील वीडियोस आपने नहीं देखे है उसके बाद आपका नाइटफॉल हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रह्मचर्य संकल्प है वो नहीं टूटा है, क्योंकि आपने यहाँ पर किसी भी तरह की गलतियाँ नहीं की है। जो भी बैड ड्रीम आपने देखा है वो पहले से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज स्टोर थी, जिस कारण से आपका जो नाइटफॉल है वो हो चुका है। और दोस्तों आपको घबराने वाली बात नहीं है, जो नाइटफॉल है वो बीमारी नहीं है। कुछ लोग इसे बीमारी समझ लेते हैं। आप जैसे जैसे ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ते रहोगे तो आपकी जो ये समस्या है वो भी धीरे धीरे सुलझ जाएगी। माइंड में जो भी बुरे विचार आते हैं वो आपकी पिछली गलतियों के कारण आते हैं। आप जैसे जैसे ब्रह्मचर्य की जर्नी में आगे बढ़ोगे तो आपके माइंड में आने वाले अश्लील विचार क्लीन होते जाएंगे और आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे और नाइटफॉल से भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। तो आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे।